Are you also making this mistake in your wealth creation journey? Are you investing in debt for long term and in equity for short term? हम लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे FD, PPF में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसमें हमारा पैसा सेफ रहेगा और हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी वजह से हम लो रिटर्न्स के चक्कर में फंस जाते हैं। साथ ही हम दोस्तों से उनके प्रॉफिट के बारे में सुनकर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स या क्रिप्टो जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और अपना पैसे खो देते हैं, क्योंकि यहां तो हमें क्विक रिटर्न्स दिखते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। एज अ बेसिक फाइनेंस रोल हमें इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए डेट में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करें। लेट्स से आपको 2-3 साल में कार लेनी है, इसके लिए आपको FD या डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे चाहे रिटर्न्स लो हो पर मार्केट रिस्क और फ्लक्चुएशन का आपके पैसों पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। नाउ लेट्स से अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जैसे रिटायरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हियर एंड देयर यू शुड मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स एंड बीट इन्फ्लेशन। म्यूचुअल फंड्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड, रेगुलेटेड एंड हैव गिवन 15% CAGR टू दोज हु हैव स्टेड इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स तो लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे। आज के आपके 1 लाख की 20 साल बाद 29,000 रुपीस की वैल्यू रह जाएगी और लॉन्ग टर्म में अगर आप डेट में इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। सो डोंट टेक चांसेस विद योर वेल्थ। अपनी होलिस्टिक पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट कॉल बिलो इफ यू वॉन्ट टू बुक अ फ्री कॉल विद अभियान वेल्थ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल वेल्थ।